नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद और राजद प्रवक्ता सारिका पासवान के बयानों को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जिसके तहत जहां एक तरफ जदयू प्रवक्ता ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को धूर्त कह दिया है, वहीं राजद प्रवक्ता ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मानसिक संतुलन पर सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अंगीकार किया है और बुद्ध आज भी भारत के संविधान की प्रेरणा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां महापरिनिर्वाण मंदिर में अभी धम्म दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की शुरुआत करते हुए ये बातें कही हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बौद्ध भिक्षुओं को चीवर भी दान किए। आगामी बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर जदयू अध्यक्ष ललन सिंह और तेजस्वी यादव के ट्विटर पर भिड़ने की खबर सामने आई है। तेजस्वी यादव ने जदयू अध्यक्ष पर मल्लाह समाज के अपमान का आरोप लगाया, तो वहीं ललन सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जनता को पोठिया मछली समझने की भूल न करे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार के तहत संविधान महर्षि वाल्मीकि के विचार और दलित समुदाय के लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय से शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद यह टिप्पणी की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिनों के दौरे पर पटना पहुंच गए हैं और वो शुक्रवार तक पटना में रहने वाले हैं। इस दौरान उनका पटना के अलग अलग इलाकों में एक कार्यक्रम है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पटना एयरपोर्ट सहित शहर के कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक अलग अलग समय से प्रभावित रहा और बुधवार को राष्ट्रपति के आगमन पर सुरक्षा कारणों से पटना एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन भी काफी ज्यादा प्रभावित रहा था। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि केवल 30% भारतीयों को ही पूरी तरह से टीका लगाया गया है। सरकार को योजना बतानी चाहिए कि वो दिसंबर 2021 तक लक्ष्य तक कैसे पहुंचने वाली है। कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा कि अभी तक केवल 30% भारतीयों ने पूरी तरह से टीकाकरण करवाया है। क्या भाजपा सरकार साझा कर सकती है कि दिसंबर 2021 तक सभी को टीकाकरण के अपने वादे को पूरा करने की उनकी योजना कैसे पूरी होगी। पटना हाईकोर्ट में नवनियुक्त 7 न्यायमूर्तियों ने बुधवार को पद की शपथ ले ली है। पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस संजय करोल ने इन्हें शपथ दिलवाई है। इस मौके पर जज, अधिवक्तागण, अधिकारीगण समेत अन्य अतिथि उपस्थित थे। इसी के साथ पटना हाईकोर्ट में अब तक कुल जजों की संख्या 26 हो गई है। 2 अफगान प्रांतों में ताजा मामलों में प्रभावित परिवारों को ईरान द्वारा प्रदान की गई मानवीय सहायता प्राप्त हुई है। स्थानीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इस महीने की शुरुआत में उत्तरी कुंदुज, दक्षिणी कंधार प्रांतों में जुम्मे की नमाज के दौरान 2 शिया मुस्लिम मस्जिदों पर कम से कम 93 नमाजियों की जान जाने की खबर सामने आई थी। बिहार पंचायत में मतदाताओं के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं कहीं बारिश में लोग भीगते हुए वोट देने के लिए कतार में खड़े नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे मतदाता भी वोट देने के लिए पहुंचे जो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। ऐसी एक मतदाता की तस्वीर नवादा जिले के अकबरपुरा से सामने आई है। यहां हाथ पैर के सहारे झुककर चलते हुए 93 साल की एक महिला वोट देने के लिए पहुंची थी। उत्तरी कर्नाटक के विजयपुर जिले में बुधवार सुबह 3.6 की तीव्रता का भूकंप आया। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र के अनुसार पूर्वाहन 10:29 पर विजयपुर के धनारंगी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। KSNDMC ने एक बयान में कहा है कि भूकंप का केंद्र विजयपुर के धनारंगी में 2.9 किलोमीटर की गहराई में था। सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी मामले पर सुनवाई चल रही है। इस हादसे में 4 किसान समेत 8 लोगों की जान चली गई है। कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को लखीमपुर खीरी मामले में गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करने और उन्हें सुरक्षा देने का निर्देश भी दिया है। क्रूज केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिली। आर्यन खान पिछले 13 दिनों से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है और पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज जब फैसला आया तो आर्यन खान और उनके साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीका को बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश स्थित कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत विश्वभर के बौद्ध समाज की श्रद्धा का आस्था का केंद्र है। आज कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यह सुविधा उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकारियों से जीवन के सभी क्षेत्रों से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का आग्रह किया है। उन्होंने अधिकारियों से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नई भारत की नीति को मजबूत करने के लिए कहा है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,623 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कुल एक्टिव केस 1,78,098 है, जबकि इस दौरान 197 मरीजों की जान जाने के बाद संक्रमण से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 3,41,08,996 पर पहुंच गया है।
समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए मानदंड तय करने के अपने अधिकार पर जोर देते हुए केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के निर्धारण में अपनाए गए मानदंडों का बचाव किया है। द प्रिंट को मिली जानकारी के मुताबिक सरकार सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कर सकती है कि यह प्रणाली जारी रखने की अनुमति दी जाए और इसमें कोई संशोधन या परिवर्तन न किया जाए। उत्तराखंड में आसमान से ऐसी आफत बरप रही है कि जमीन पर त्राहिमाम मचा हुआ है। बारिश के बीच पानी के तेज बहाव की वजह से नदियां उफान पर है। ऋषिकेश में जहां गंगा की लहरें गोता लगा रही हैं, वहीं नैनीताल में झील का पानी माल रोड तक आ पहुंचा है। गंगा और उसकी सहायक नदियां रौद्र रूप में है। पहली बार कुशीनगर फ्लाइट से पहुंचे नमल राजपक्षे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हवाई अड्डे के खुलने से उनके देश से और भी अधिक लोग कुशीनगर और भारत का दौरा करेंगे। राजपक्षे ने कहा कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के लिए पहली उड़ान मेरे और मेरे प्रतिनिधिमंडल के लिए एक बड़ा सम्मान है। मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर करारा हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कई आरोप लगाए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कैप्टन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी नई पार्टी का ऐलान करना कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। भारत में कोरोना के फैलने की दर को दर्शाने वाला आर वैल्यू सितंबर से एक से नीचे बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि भारत में संक्रमण दर में गिरावट आ रही है। एक स्टडी में यह बात सामने आई है। रिप्रोडक्शन नंबर या आर का मतलब यह है कि एक संक्रमित व्यक्ति औसतन कितने लोगों को संक्रमित करता है, यानी यह दिखाता है कि वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में बुधवार को वाल्मीकि जयंती के मौके पर शोभा यात्रा को रवाना किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने वाल्मीकि जयंती पर लोगों को बधाई दी। राहुल ने कहा कि उन्होंने देश को जीने का तरीका सिखाया, प्यार और भाईचारे का संदेश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकों को कम कीमत पर आसानी से अनाज उपलब्ध कराना राज्य सरकार के हित में है। इसके अलावा अदालत ने दिल्ली सरकार के उन इलाकों में उचित मूल्य के दुकान खोलने की संभावना पर विचार करने के लिए कहा है जहां से नजदीकी राशन की दुकान 2.5 किलोमीटर दूर है। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने पार्टी नेतृत्व से आग्रह किया है कि उन्हें पंजाब प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए ताकि वो अपने गृह प्रदेश उत्तराखंड में कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर सके। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बुधवार को सुबह हुई मुलाकात के दौरान रावत ने अपनी इच्छा से उन्हें अवगत करवाया था। गुजरात सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि साई को फॉलो नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह जेल के अंदर गलत गतिविधियों में शामिल रहा है। साई ने इस आधार पर फॉलो मांगी है कि उसे पूर्व में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए अपने पिता आसाराम की देखरेख करनी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी के सलाहकार हरेंद्र मलिक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता हरेंद्र मलिक और उनके पुत्र पंकज मलिक ने यह झटका दिया है। पिता पुत्र समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कई राज्यों से किसानों की फसल बर्बाद होने की खबरें सामने आई है। ऐसे किसानों की मदद के लिए जल्द ही दिल्ली सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि राजधानी दिल्ली में जिन किसानों की फसल बीते दो दिनों में बर्बाद हुई है उन्हें दिल्ली सरकार प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की दर से मुआवजा देगी। विश्वभर में तबाही मचा चुकी कोरोना महामारी से अभी भले ही राहत लग रही, कोरोना के मामले और इससे जान गंवाने वालों के मामले में कमी के बावजूद इससे जूझ चुके मरीजों में आ रहे पोस्ट कोविड इफेक्ट अब बड़ी चिंता सता रहे हैं। जानकारों की माने तो अब से कुछ साल बाद हड्डियों की प्रमुख बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस बड़ी संख्या में मरीजों को अपना शिकार बना सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 65 डेसिबल से अधिक ध्वनि का स्तर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि का स्तर गंभीर हो सकता है। उच्च रक्तचाप, चिंता और हृदय रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याएं समाज में कहर बरपा रहे। अतिरिक्त साइलेंसर के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए हैदराबाद पुलिस ने मंगलवार को अतिरिक्त शोर उत्सर्जित करने वाले बाइक साइलेंसर पर रोड रोलर का संचालन भी किया। तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी के उस निर्णय का मजाक उड़ाया जिसमें पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में 40% महिला प्रत्याशी खड़ा करने का निर्णय लिया है। तृणमूल ने उम्मीद जताई है कि उसकी नीति की नकल कर कांग्रेस ने केवल दिखावा नहीं किया होगा। असम की 5 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए 31 उम्मीदवार मैदान में हैं। गोसाईगांव, भवानीपुर, तालुमपुर, मरियानी और थौरा सीटों पर उपचुनाव 30 अक्टूबर को होंगे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मतगणना 2 नवंबर को होगी और मतदान की पूरी प्रक्रिया 5 नवंबर तक खत्म हो जाएगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अनिल कुमार, रनम जी यादव,
सुनील यादव, ओमकार सिंह, गौरव उमर, संजू यादव, सौरभ मिश्रा, नुनू कुमार, शकीला खातून, कुश कुमार यादव, आनंद एंटरटेनमेंट, विजेंद्र सिंह, मंटू कुमार वर्मा, सुदीप कुमार, नीतीश ठाकुर, मनीष कुमार, संजू यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में किए गए काम से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।